अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मोहम्मद हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने वाले हैं बीफ बर्गर। उसे बनाना बहुत ही आसान है घर में। आए अब आपको बताते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 1 किलो जो है ना हमारा बीफ है, कीमा कर लिया हमने इसका। इसमें हसब ज़ायका जो है ना हम पहले नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो इसमें है ना 1 टेबल स्पून सफेद पेपर ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हाथ की मदद से जो है ना अच्छे तरीके मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब जो है ना हाथ की मदद से बॉल बनाएंगे। अब जो है ना हाथ को हम पानी लगाएंगे। ये बॉल बना दिया हमने। इसके नीचे जो है हमने बटर पेपर रखा है, इसके ऊपर भी बटर पेपर रख के ऊपर से जो है ना प्रेस करेंगे। हम जो है ना गिलास की मदद से इसके प्रेस कर रहे हैं। और ये प्रेस हो चुका है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा जो है ना तैयार हो चुकी है टिक्की। अब जो है ना हमने एक तवा ले लिया, इस पर जो है ना 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना इसके ऊपर ये हम ऐड करेंगे जो हमने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना इसे हम 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके इसकी जो है ना पकाएंगे, जब तक ये रेड कलर का नहीं हो। आज तब तक जो है ना हम इसकी सलाद बनाते हैं। बंद गोभी का हमें आधा सीता ले लिया। इसे जो है ना कद्दूकस करेंगे। अब जो है ना इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। जाने से नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक। वन टेबल स्पून धड़ा मिर्च। अब जो है ना चम्मच की मदद से अच्छे तरीके मिक्स करेंगे। अब जो है टमाटर काटेंगे। ये टमाटर कट चुके हैं, टमाटर हमने निकाल लिए। अब जो है प्याज काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इनका जो कलर है ना रेड रेड होना शुरू हो गया। 10 से 12 मिनट भी होने वाले हैं। अब जो है ना हमने दूसरी साइड भी उनकी रेड होने वाली है। अब जो है ना इनके ऊपर हम चीज़ की स्लाइस रखेंगे। अब जो है हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना ब्रेड इसके ऊपर हम गरम करेंगे। ब्रेड जो है ना अच्छे तरीके से अंदर से ब्राउन हो जाए ऐसे।
अब ग्रेनाइट के ऊपर हम मायोनीज ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद जो हमने ये बंद गोभी की सलाद बनाई है इसके ऊपर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको सलाद का पत्ता रखेंगे। अभी हमारी टिक्की आ गई। दूसरी ब्रेड पे हम केचप लगाएंगे और इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। अब जाने इसके ऊपर हम टमाटर ऐड करेंगे, प्याज, जो है इसके ऊपर तवे के ऊपर इसे जो है ना हम अच्छे तरीके गर्म करके फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा दोस्तों जो है ना बीफ बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं। अब जो है इसे कट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही मज़े का है। अब जो है ना इसे हम आपको टेस्ट करके बताते हैं किस तरीके का बना है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे का बना है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व